हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि पैन कार्ड को आप अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे किया जाता है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए हम क्रोम ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ लिंक, और उसके बाद सबसे पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें डेकोस्ट वेबसाइट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे दो नंबर पे लिखा हुआ है आवर सर्विसेस में लिंक आधार, यहाँ पे आप देख लीजिए लिंक आधार विथ पैन यहाँ पे लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लिंक आधार करके। तो इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर वहाँ पे लिखना है पैन कार्ड, यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। पैन कार्ड नंबर इसमें सबसे पहले ऊपर टाइप करना है, उसके बाद आधार नंबर, और यहाँ पर नेम एज पर आधार, यानी कि जो नाम आपके आधार कार्ड में है उसको यहाँ पर उसी तरह टाइप करना है। आपके पैन कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आई, और इस पर हमें टिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर लिखा है तो इस पर क्लिक कर टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करके लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक ओटीपी आएगा उसी नंबर पे, उसको ओटीपी को फिल करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक है तो ऑलरेडी लिंक क्लिक किया जाएगा, अगर आपका पैन कार्ड लिंक करें तो उसमें यहाँ पर लिंक हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे सब सबमिट होगा तो आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो हमारा स्टेटस आ जाएगा कि कहाँ पे हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हुआ है, पहुँचा है या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देख तो लेते हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें, और आप हमेशा हमें ऐसे सपोर्ट दिखाते रहें। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।